चलिए, सो बात करने वाले हैं बाजार के अंदर आपको आज किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, दो दिन की छुट्टी के बाद में आज से नया वीक स्टार्ट होने वाला है। बाजार के अंदर आपको पूरी हलचल देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी कंपनियों के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, तो उनके आधार पर भी हम लोग को यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमेरिकी बाजारों के अंदर फ्राइडे का सेशन देखने को मिला, अमेरिकी बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिली। लगभग 144 अंकों की तेजी आपको अमेरिकी बाजारों के अंदर देखने को मिली। अब देखिए, रियल टाइम इंडेक्स फ्यूचर में किस तरीके की चाल इस समय आपको देखने को मिल रही है। यूएस 30 की बात करते हैं तो लगभग 76 अंकों की गिरावट आपको यूएस 30 के अंदर देखने को मिल रही है। यूएस 500 की बात करते हैं तो गिरावट का माहौल है। यूएस टेक 100 की बात करें तो उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ बाजारों के अंदर अच्छा खासा माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर बायस्पा की बात करते हैं तो लगभग 2000 अंकों की तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। जापान का इंडेक्स ओपन हो चुका है, लगभग 160 अंकों की गिरावट आपको जापान के इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। हैंगसेंग की बात करते हैं तो लगभग 75 अंकों की गिरावट आपको वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चाइना की बात करते हैं तो गिरावट का माहौल है। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो लगभग 71 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिल रही है। अब देखिए, ग्लोबली जिस तरीके से संकेत यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं तो ओवरऑल गिरावट वाले प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि बाज़ार नीचे ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे, तो अच्छा खासा रुझान भी हमें बाज़ार के अंदर दिन के दौरान देखने को मिलता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आज रिजल्ट हैवी डे है। काफ़ी सारी कंपनियां आज अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाली हैं, जैसे कि एस्ट्राजेनेका, ये कंपनी आज अपने रिजल्ट अनाउंस करती हुई नजर आएगी। उसके बाद में बलरामपुर चीनी, ये भी कंपनी आज अपने Q1 के नतीजे डिक्लेयर करने वाली है। भारत वायर, बॉम्बे डाइंग, ये भी कंपनी अपने Q1 के नतीजे डिक्लेयर करने वाली है। हिंदुजा ग्लोबल, ये भी कंपनी आज अपने Q1 के नतीजे डिक्लेयर करने वाली है। इंडियन होटल, ये कंपनी भी आज अपने Q1 के नतीजे डिक्लेयर करने वाली है। इसी तरीके से श्री सीमेंट, ये भी कंपनी आज अपने Q1 के नतीजे डिक्लेयर करने वाली है। तो काफ़ी सारी कंपनी आज अपने Q1 के नतीजे डिक्लेयर करती हुई नजर आएंगी, जिनके आधार पर बाजार के अंदर हम लोग को आज हलचल देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अब रुक कर लेते हैं खबरों वाले शेयर की तरफ। तो किन किन स्टॉक के अंदर आपको आज एक्शन देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले हमारी कंपनी होने वाली है डिवीज लेबोरेटरी। देखिए, Q1 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और नतीजों के अंदर बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल गया है, लगभग 5.57 बिलियन रुपीज़ के आसपास प्राप्त हो रहा है, और अगर पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखें तो लगभग 4.92 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आया था। इसी तरीके से अगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखें तो 5.02 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही में क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही में दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 19 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आया, और अगर पिछले साल का देखें तो 17 बिलियन के आसपास दिखाई दे रहा था। इसी तरीके से अगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखें तो 17.88 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आया। तो देखिए, रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नेट प्रॉफिट के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, लिहाजा ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो आरती इंडस्ट्री। देखिए, लगातार तेजी का रुझान इस कंपनी के अंदर पहले भी आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के भी Q1 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और नेट प्रॉफिट लगभग 1.65 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है, और अगर पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखें तो 819 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा रुझान आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे लगभग 1.36 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही बताना चाहूँगा कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के अंदर भी हम लोग को उछाल देखने को मिल रहा है, 13 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आया, और अगर पिछले साल का रेवेन्यू देखें तो लगभग 9 बिलियन रुपीज़ के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहा था, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो लगभग 12 बिलियन के आसपास हम लोग को ये रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। पिछले एक महीने से लगातार तेजी का रुझान इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो टाटा पावर। देखिए, लगातार चर्चाओं में ये कंपनी भी रही है। बताना चाहूँगा कि Q1 के नतीजे इस कंपनी के भी डिक्लेयर हो चुके हैं और आज के दिन बड़ा एक्शन आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट लगभग 3.91 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है, और अगर पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखें तो मात्र 2.07 बिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो मुनाफे के अंदर हल्की गिरावट भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों, बताना चाहूँ कि जो कंपनी का रेवेन्यू निकल गया है, लगभग 99.68 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल गया है, और अगर पिछले साल का रेवेन्यू देखें तो मात्र 64 बिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहा था। इसी तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी रेवेन्यू के अंदर हम लोग को यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 101 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आया था, और अब अगर देखें तो लगभग 99.68 बिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो है, ये कंपनी भी आज चर्चाओं में रहने वाली है। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री। देखिए, ये कंपनी भी चर्चाओं में रहने वाली है। टायर बनाने वाली कंपनी है और जितनी भी टायर बनाने वाली कंपनी है उनके अंदर अच्छा खासा रुझान हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो जो Q1 के नतीजे इस कंपनी के डिक्लेयर हुए हैं,
तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 3.31 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल गया है। और अगर पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मात्र 1.32 बिलियन के आसपास हमको दिखाई दे रहा था। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की तो 3.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नतीजों के अंदर हलचल देखने को मिल रही, गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। इसी तरीके से अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो लगभग 18 बिलियन रुपीज़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है, पिछले साल का देखें तो मात्र 9 बिलियन के आसपास हम लोग को देखने को मिला था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो 17 बिलियन के आसपास हम लोग को ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो रेवेन्यू है वो हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक महीने की अगर चाल की बात करते हैं तो शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी भी आज चर्चाओं में रहने वाली है क्योंकि इस कंपनी के Q1 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और नतीजों के अंदर बड़ा फेरबदल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था लगभग 38 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आया था, और अगर पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखें तो ओवरऑल कंपनी को लॉस होता हुआ नजर आया था। तो लगभग 12 बिलियन का लॉस पिछले साल था और अब जो है कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी देखते हैं तो 34 बिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए जो मुनाफा है वो ओवरऑल क्वार्टर क्वार्टर बेसिस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 206 बिलियन के आसपास निकल के आया, और अगर पिछले साल का देखें तो मात्र 90 बिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखें तो 23 बिलियन के आसपास निकल के आ रहा था। तो देखिए ओवरऑल तेजी के संकेत इस कंपनी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं, तो ये शेयर भी आज चर्चाओं में रहने है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो जेके टायर इंडस्ट्री, टायर बनाने वाली कंपनी है, इसके जो नतीजे डिक्लेयर हैं उसके अंदर भी बड़ी हलचल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 463 मिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है, और अगर पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखें तो ओवरऑल कंपनी को लॉस होता हुआ नज़र आ रहा था। तो घाटे से मुनाफे के अंदर ये कंपनी हम लोग को पहुँचती हुई नज़र आ रही है, पिछले साल लगभग 1.99 बिलियन रुपीज़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट हम लोग को दिखाई दे रहा था। तो अच्छी खासी तेजी के संकेत आपको इस कंपनी के अंदर भी प्राप्त हो रहे हैं। साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 26 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आया, और अगर पिछले साल का देखें तो मात्र 11 बिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। तो इस स्टॉक के अंदर भी एक एक्शन की उम्मीद आज के दिन करके चल सकते हैं। पिछले एक महीने की जो चाल अभी तक इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है अच्छी खासी रही है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो नीचे लगभग 142 रुपये के आसपास ये दिखाई दे रहा था। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।